हनी हमारे लैब में हनी भी मिलता है। घर से लेके आई। घर से लेके आई। फैक्ट बताओ। बता बता। हमारा जो हनी होता है ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मतलब कुछ भी। अरे सच मेरी एक बात तो सीरियसली लिया कर। एक्सप्लेनेशन सुन पहले। बोल। हनी की तीन चीजें हैं। पहला तो हनी में मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। अच्छा। एसिडिक नेचर भी बैक्टीरिया क्या हार्मफुल है। और तीसरी चीज है उसमें हनी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। पता है कहाँ यूज होता है? जब हमको घाव लगता है तो उसपे लगाते हैं हम। एंटीसेप्टिक। हाँ। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हनी कभी खराब ही नहीं होता। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ यार, ऐसे मजाक। अरे मैंने आज ही हनी का पैकेट खरीदा और उसके पीछे एक्सपायरी डेट थी। ध्यान से पढ़ा क्या लिखा था? बेस्ट बिफोर। दोनों एक ही है? नहीं, घर पे एक पढ़ना है क्या होता है। अच्छा। बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी क्या डिफरेंस? हाँ। अभी फिलहाल तक एक और चीज बताता हूँ। हमारा जो हनी होता है ना, हाँ, वो कभी एक्सपायरी नहीं होता। और इसका प्रूफ क्या मिला है पता है? क्या? सबसे पुराना हनी कहाँ पाया गया पता है? कहाँ पे? तेरे किचन में। चीजें खरीद के भूल जाता है विक्रांत। यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पुराना हनी पाया गया था हाँ? इजिप्शियन मम्मी के यहाँ पे कॉफिन। हाँ, कबर में। कितने साल? कितना साल पुराना? कितना? 3000 years पुराना। और वो खा सकते हैं? वो खा सकते हैं। सीरियसली? और तुझे लग रहा था मेरी मम्मी के किचन में? और तेरे को सच बताओ क्या इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगी? मैं ना मेरे सारे दर्शक को बताऊंगी। को एक फैक्ट बताओ, कुछ बोलने वाला था उससे पहले तू ही बोल रहे। अभी मैं तेरे को फैक्ट बताता हूँ। तेरा जो प्लान है वो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि हमारी ऑडियंस ऑलरेडी देख रही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए न्यूरोसाइंस के साथ बने रहिए। थैंक यू।